देखते हैं ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कैसी होती है। बिलावल की ललकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीर के रोज अदम एतमाद पर कार्रवाई न हुई तो धरना देंगे। फिर देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसी होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर होने वाले अपोजिशन के सहराने में शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, बशरी गोहर, जहानजेब बलोच, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शीरिन रहमान, नैयर बुखारी, रजा रबानी, नवीद कमर और सलीम मांडवी वाला भी जहराने में मौजूद थे। वार्न करना चाह रहा हूं, आप स्पीकर रहे, ये भी आपकी आखिरी दिनों की बात है। आपकी किरदार तारीख में लिखा जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट्स है वो नामुनासिब है। जो आपने पीटीआई के मीटिंग्स में हिस्से लिए हैं वो स्पीकर की ओहदा का तौहीन है। हमें अब बताया जा रहा है कि ये स्पीकर आईन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामेंट के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। वो बहाना ये इस्तेमाल करना चाहेगा कि मंडे दैट इज द लास्ट डे फॉर हिम टू कॉल द सेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द नेशनल असेंबली द लॉ ऑफ द लैंड इज द डे दैट द नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्टार्ट। वहां अगर स्पीकर की गैर जमहूरी सोच आ रहा है कि आप रूल्स का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप कानून का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप आईन का खिलाफ वर्जी करेंगे और हमारा अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे, तो ये मेरा जमात के अंदर भी मौकिफ होगा और मैं अपने जमात को मनाऊंगा। फिर मैं सारे ऑपोजिशन जमातों के सामने ये मौकिफ रखूंगा और इंशाल्लाह ताला सारे ऑपोजिशन को भी मनाऊंगा कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को ऑपोजिशन जमातों को यह होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है।